मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। हर महिला चाहती है कि उसके चेहरे पर झुर्रियाँ ना पड़े, वो एजिंग ना दिखाई दे। और वैसे भी मजाक में लोग कहते हैं कि स्त्री अपनी एज कभी भी ठीक नहीं बताती है, वह हमेशा अपनी एज कम ही बताती है। लेकिन आजकल देखने में आया कि यह प्रचलन युवाओं में भी बढ़ गया है, पुरुषों में भी बढ़ गया है। वो भी चाहते हैं कि उनकी चेहरे की त्वचा खींची रहे, उस पर झुर्रियाँ ना पड़े। वो भी अब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं। तो ऐसे के अंदर आजकल जो एक प्रचलन के अंदर है बोटॉक्स ट्रीटमेंट, जिसके अंदर इंजेक्शन चेहरे की स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं, और जिससे कि उसके नीचे की जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं, या कह लीजिए पैरालाइज हो जाती हैं, जिससे कि वो कम काम करती हैं और चेहरे की त्वचा के ऊपर फिर झुर्रियाँ कम पड़ती हैं और जो पड़ी हुई होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो ये ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, लेकिन क्या इसका कोई अन्य सॉल्यूशन भी है? क्या किसी और अन्य पैथी के अंदर भी इसका कोई इलाज है? तो जी हाँ, होम्योपैथी के अंदर भी एंटी एजिंग इलाज हैं, और जैसे बोटॉक्स ट्रीटमेंट काम करता है उससे भी अच्छा नेचुरल होम्योपैथिक इलाज से भी आप अपने चेहरे की त्वचा को जवान रख सकते हैं, झुर्रियों से बच सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि चंदन पाउडर लेना चाहिए, 2 चम्मच चंदन पाउडर ले लीजिए, या चंदन की जो लकड़ी होती है उसे सिर के ऊपर जो है घिसें तो उसका एक पेस्ट बन जाएगा। जिस तरह से मंदिर के अंदर आपने देखा होगा पंडित जी ने एक चंदन रखा हुआ होता है और एक नीचे पत्थर का टुकड़ा रखा होता है, उसके ऊपर घिस घिस के जो है वो चंदन सभी के माथे पे लगाते हैं। वह तो एक धार्मिक अनुष्ठान का तरीका है, लेकिन आप अपने चेहरे की त्वचा को एंटी एजिंग से बचाने के लिए या झुर्रियों से बचाने के लिए इसी प्रकार से चंदन को घिस लें, और उसका 2-3 चम्मच जब वो घिसा हुआ चंदन आपके कटोरी में होगा तो उसके अंदर एक होम्योपैथिक दवाई है बर्बरिस एक्वाफोलियम, इसकी स्पेलिंग है BERBERIS बर्बरिस एक्वाफोलियम AQUAFOLIUM। इसका मदर टिंक्चर बाजार में मिलता है या किसी भी होम्योपैथिक केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा। इसकी 15-20 ड्रॉप आप उस चंदन के पेस्ट के अंदर डाल लें और उसको अच्छे से मिला लें, फिर उसे रुई से पूरे चेहरे के ऊपर लगा लें और उसे करीब आधा घंटा लगा रहने दें। आधे घंटे बाद जब वह बिल्कुल सूख जाएगा और जब त्वचा के अंदर खिंचाव महसूस हो रहा होगा तो उसके बाद आप अपने चेहरे की त्वचा को पानी से धो लें और उसके बाद कुछ ना करें। और इस प्रकार से आप यह प्रयोग सप्ताह में 2 बार करें तो आप देखेंगे कि आपकी चेहरे की त्वचा के अंदर निखार आने लग गया है, झुर्रियाँ भी कम होने लग गई हैं, चेहरा भी ग्लो करने लगा है। आप इस उपाय को अवश्य प्रयोग करें और औरों को भी बताएं कि इसके कितने लाभ हैं। धन्यवाद दोस्तों।